दोस्तों, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे जादू या मैजिक पसंद नहीं है? शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे जादू पसंद नहीं होगा। जादू एक ऐसी चीज है जो हर उम्र के इंसान को रोमांचित करती है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। हर किसी को मैजिक पसंद होता है, लेकिन दोस्तों जादू करना कोई आसान बात नहीं होती। मैजिशियन बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर वो इतने बड़े बड़े जादू इतनी आसानी से कर पाते हैं। हमें भी पता नहीं चलता कि वो जादू या सिर्फ इनके हाथों की सफाई। तो दोस्तों, सच में हम सभी जानते हैं कि जितने भी जादूगर हैं वो सब हाथ की सफाई से लोगों का मनोरंजन करते हैं। इसलिए हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहने वाले कि सारे जादूगर झूठ बोलते हैं या धोखा करते हैं। बस हम आपको ये बताएंगे कि ये इतने बड़े बड़े जादू इतनी आसानी से करते कैसे हैं। अगर आप भी चाहें तो उसे आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर छोटा सा भी पार्ट मिस हो गया तो आप पूरा मजा नहीं ले पाएंगे। द वैनिशिंग लिक्विड ट्रिक। दोस्तों, ये ट्रिक जितनी छोटी दिखती है उतनी अनोखी भी है। इस ट्रिक में मैजिशियन जग से भरे लिक्विड को गायब कर देता है। इससे पहले हम आपको बताएं कि ये मैजिशियन ये मैजिक कैसे करता है। आप जरा इसे ध्यान से देखिए कि कैसे ये जादूगर जग का पानी कागज में गिराता है और पूरा पानी गायब हो जाता है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ट्रिक कैसे हुई? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता दें, जादूगर ने जिस जग का इस्तेमाल किया उस जग के बाहरी हिस्से में एक ट्यूब था, और जब हम जग को भरा हुआ देख रहे होते हैं तब पूरे जग को नहीं बल्कि जग के बाहरी हिस्से में भरे ट्यूब को देख रहे होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही ये मैजिशियन जग को टेढ़ा करता है तो बाहरी ट्यूब का सारा लिक्विड जग के अंदर वाले हिस्से में गिर जाता है, जिससे देखने वालों को लगता है कि लिक्विड गायब हो गया है, जबकि ये गायब नहीं होता बल्कि ज़्यादा स्पेस होने की वजह से कम दिखाई देता है। लेकिन आप समझ गए होंगे ना कि मैजिशियन कैसे इतनी मेहनत करके इतनी नई नई ट्रिक हमारे सामने लाते हैं। जेम्स मोर स्वॉर्ड स्टबिंग ट्रिक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जेम्स मोर ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में एक ऐसा जादू दिखाया जिसे देखकर सब दंग रह गए। इन्होंने तलवार को अपने पेट के आर पार कर दिया। सबसे पहले उसने अपने असिस्टेंट से बोला कि वो लोग तलवार उनके ऊपर लेटा दें। जैसे ही उनके असिस्टेंट ने जेम्स को तलवार के ऊपर लेटा दिया, जेम्स के पेट को चीरती हुई तलवार बाहर निकल गई। जिस किसी ने भी जादू देखा वो दंग रह गया, चाहे ऑडियंस हो या टेबल पर बैठे जजेस, सभी जानने के लिए उत्सुक हो गए जेम्स ने ऐसा किया कैसे। हम आपको बताते हैं इतना खतरनाक जादू जेम्स ने कैसे इतनी आसानी से कर लिया। दोस्तों, जेम्स के पास एक स्पेशल सपोर्ट था जो तलवार के बिना नुकसान पहुंचाए टिकाए रखने में मदद कर रहा था। ये सपोर्ट उनके काले कपड़ों में छुपा था, और जब उनके असिस्टेंट ने उन तलवार के ऊपर रखा तो जो सपोर्ट उनके कपड़ों में छिपा था उसकी मदद से वो आसानी से तलवार के ऊपर बैलेंस कर पा रहे थे। अब आप सोचेंगे कि तलवार अगर नीचे टिकी हुई थी तो वो बाहर कैसे आई? तो हम आपको बता दें कि पीछे वाला सपोर्ट एक बेल्ट के जरिए जेम्स के पेट से बंधा था, और उसी बेल्ट के आगे की साइड एक डिवाइस थी जो बटन दबाते ही ऊपर की तरफ तलवार की ऊपर उठाकर और लोगों को वो लगता कि तलवार जेम्स के पेट के आर पार चली गई है। देखा दोस्तों, इतना बड़ा जादू बड़ी आसानी से कर दिया ना। डेविड ब्लेम वोमिट फ्रॉक्स। हम सभी ने कई सारे फियर फैक्टर शोज में देखा होगा कि लोग कई सारे कीड़े मकोड़ों को मुंह में डालते हैं, लेकिन ये ट्रिक इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कुछ भी अंदर नहीं डाला गया बल्कि मुंह से मेंढकों को निकाला जा रहा है। मेंढक निकालने वाला कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो बर्फ में रह चुका है, जिसने 40 दिनों से भी ज़्यादा का समय कांच के अंदर बिना खाए बिताया हुआ है। जी हाँ, डेविड ब्लेम एक बहुत बड़े मैजिशियन है, और ऐसे ही एक बार उन्होंने अपने मुँह से मेंढक निकाल के दिखा दिया, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि मेंढक निकालने से पहले उन्होंने सबको दिखा दिया था कि उनका मुँह बिल्कुल खाली है। फिर उन्होंने अपने मुंह से मेंढक निकालना शुरू कर दिए। अब आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे ना कि डेविड ने ऐसा किया कैसे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डेविड अपने ज़्यादातर जादू अपने स्किल्स की बदौलत करते हैं, ना कि किसी ट्रिक या मैनिपुलेशन के जरिए, और ये एक्ट भी डेविड ने स्किल्स की बदौलत ही किया। हम आपको बता दें कि ये परफॉर्मेंस सबसे पहले हाजी अली के द्वारा की गई। ये पूरी परफॉर्मेंस इस बेसिस पर है कि आप कैसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे आप अपने पेट में कुछ स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें आप उसे मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही डेविड ने किया। उन्होंने 6 महीनों तक किसी चीज़ की प्रैक्टिस की और फिर अपने जादू से लोगों को चौंका दिया। डेविड कॉपरफील्ड डिसअपीयर्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, बहुत ही फेमस मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड ने लोगों को चौंका दिया जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ही गायब कर दिया। ये थोड़ी देर के लिए वापस भी आ गया, लेकिन दोस्तों ये पूरा ट्रिक सिर्फ लोगों की आंखों का भ्रम था, क्योंकि इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब हुआ ही नहीं था। दरअसल डेविड ने अपने लाइट इफेक्ट की वजह से ऐसा माहौल बना दिया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखे ही नहीं। दोस्तों, ऐसा लगा कि इन फोटोज़ में साफ साफ आप देख सकते हैं
कि डेविड ने स्टेज को हल्का सा रोटेट कर दिया ताकि लाइटिंग की वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखे ना, और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से स्टेज को अपना एक्चुअल पोजीशन पर ला दिया, जिससे स्टेज पर खड़े लोगों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वापस दिखने लगा। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ऑडियंस ने नोटिस कैसे नहीं किया, तो हम आपको बता देंगे, पूरा मैजिक पहले से ही प्री प्लान था, और क्योंकि सब कुछ कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया इसीलिए कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, ये सच में एक अद्भुत मैजिक ट्रिक है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने इतने बड़े बड़े जादू की ट्रिक देखे हैं, हमें यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी मैजिक ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई, और हमारे चैनल को और वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए।